Greetings everyone, how are you all? I hope you all are fine at home. I'm Sangeeta. So today our topic is use of an in English notebook. Aaj hamara topic hai a aur n. A aur n kahan use hota hai? So first of all you open your English notebook and write A B C D, A to Z. A to Z aap likh lijiye aur usme dekhiye ma'am ne yellow color se kuch letters ko hide हाईलाइट किया हुआ है. ओके देखो हाईलाइट किया मैम ने. दीज आर वॉवल्स, ये हैं वॉवल्स और बाकी हैं कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो ए हमारा क्या है? वॉवल. ई वॉवल, आई वॉवल, ओ वॉवल और यू भी वॉवल. बाकी हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स. ए ई आई ओ यू के आगे लगता है ए एन और बाकी सभी लेटर्स से जो भी शुरू होता है उसके आगे लगता है ए. ओके आप ये चीज़ याद कर लीजिए. ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5 हमारी 5 फिंगर्स हैं. ओके ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स. वॉवल्स फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ए ई आई ओ यू. ठीक है, 5 मेंबर्स हैं. उनके आगे हमें क्या लगाना है? ए एन. ओके उनके आगे हमें ए एन लगाना है. बाकी सभी के आगे हम ए लगाएंगे. वो हमारे वॉवल फैमिली में नहीं आते, इसीलिए वो ए उनके आगे ए लगेगा. तो कौन कौन से हैं हमारे वॉवल फैमिली में मेंबर्स? ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स. 5 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स. कौन से? ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू के आगे ए एन लगेगा. तो देखो कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डेट हेयर 23.07.20. इट शुड नॉट एक्सीड मार्जिन. देन कम हेयर एंड राइट सी डॉट डब्ल्यू. ओके कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड लीव 2 फिंगर गैप आफ्टर मार्जिन एंड राइट हेडिंग यूज ऑफ ए एन. ए एन का यूज. तो हमारे कौन से हैं वॉवल्स? ए ई आई ओ यू. ये कौन सी फैमिली है? वॉवल फैमिली. कौन सी फैमिली है? वॉवल फैमिली. कितने मेंबर्स हैं? 5. ओके सो सी ए, ए से स्टार्ट हो रहा है. ए हमारा वॉवल फैमिली में है तो हम क्या लगाएंगे? ए एन, एन आंट. ओके ई, ई वॉवल फैमिली में है, ई है तो हम क्या लगाएंगे? ए एन. एन एलिफेंट. आई, आई हमारा है वॉवल फैमिली में तो क्या लगाएंगे? एन आइसक्रीम. ए एन, ए एन लगेगा. ठीक है, क्योंकि आई हमारा वॉवल फैमिली में है. ओ, ओ हमारा वॉवल फैमिली में है तो हम क्या लगाएंगे? ए एन, एन. क्या यूज होगा? एन. यू, यू हमारा वॉवल फैमिली में है, क्या लगाएंगे? ए एन. क्या लगाएंगे? ए एन. ओके सो एन आंट, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला. ओके तो ये हमारे वॉवल फैमिली में थे. अब सी के, के हमारा है वॉवल फैमिली में. इधर है वॉवल फैमिली में, देखो के है? नहीं है. तो क्या आएगा? अ काइट. अब देखो जे, जे हमारा है वॉवल फैमिली में, नहीं है तो क्या आएगा? अकजार. सी, सी हमारा है वॉवल फैमिली में, नहीं है तो क्या आएगा? ए. ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. हमारी वॉवल फैमिली है एक, जिसमें हमारे कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं, ए ई आई ओ यू. ठीक है, इन लेटर से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे उसके आगे आप यूज करेंगे ए एन. बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो वॉवल फैमिली में नहीं हैं तो क्या आएगा उनके आगे? ए. ओके तो एन आंट ए वॉवल फैमिली है, ई वॉवल फैमिली है, आई वॉवल फैमिली है, ओ भी वॉवल फैमिली है, यू भी वॉवल फैमिली है. ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल फैमिली. ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आपने ये अपनी नोटबुक में करना है यूज़ ऑफ ए एन.
Now open your EVS notebook. Today we will do parts of the body. हम parts of body कर चुके हैं, आज मैम आपको revise कराएंगी, ठीक है? Okay? So let's start. First of all, you write date 23.07.20. It should not exceed margin. Then come here and write C.W. Come to the next line. Leave 2 finger gap after margin. Then start heading parts of the body. Okay. Let's start. EY, ES, eyes. EY, ES, eyes. NOSE, nose. NOSE, nose. KNEE, knee. KNEE, knee. EARS, ears. EARS, ears. HAND, hand. HAND, hand. HAAD, head. HAAD, head. FOOT, foot. FOOT, foot. LEG, leg. LEG, leg. EYES, eyes. EYES, eyes. NOSE, nose. NOSE, nose. KNEE, knee. KNEE, knee. EARS, ears. EARS, ears. HAND, hand. HAND, hand. HAAD, head. HAAD, head. FOOT, foot. FOOT, foot. LEG, leg. LEG, leg. So your homework is learn and write CW. And in English, आपने ये भी लिखना है, A to Z लिखनी है. उसमें आपने अपने वॉवल फैमिली को हाईलाइट करना है. क्या है ये हमारी वॉवल फैमिली? ओके, वॉवल फैमिली को हाईलाइट करना है ऐसे कलर से और नीचे लिखना है दीज आर वॉवल फैमिली. ओके, और ये लिखना है यूज ऑफ ए एन. सो डू एस सी डब्ल्यू. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आपने अच्छे से करना है. अभी तो मैम ने आपको वॉवल फैमिली बताई है, अभी आपका ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहेगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. ओके, कौन सी है हमारी वॉवल फैमिली अगेन? ए ई आई ओ यू. फाइव मेंबर्स हैं हमारी वॉवल फैमिली में. ओके, हैव अ गुड डे.